वेलकम टू एक्सोटिक डाइन, दिस इज़ मी स्वाति। आज जो आप केक देख रहे हैं, एक बहुत ही टैम्पटिंग डिलीशियस सा केक जिसका नाम है चॉकलेट मूस केक, आज इसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये डिफ़िकल्ट से दिखने वाले केक को बनाना बहुत ही इजी होता है, सिर्फ इसे कुछ सिंपल से स्टेप्स में हम बनाएंगे और ये केक बन करके रेडी हो जाए। स्मूथ केक में सबसे पहले हम स्पॉन्ज रेडी करेंगे और यहाँ जो स्पॉन्ज हम बनाएंगे वो हम शीट केक के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने दो तरह के शीट्स बनाएंगे, पहले हम वेनिला शीट बनाते हैं और बाद में चॉकलेट शीट। वेनिला शीट के लिए हमने जो भी बेसिक इन्ग्रीडियंट्स होते हैं वो सब ले लिए हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमने हाफ कप मिल्क लिया है उसके अंदर मैं आधा चम्मच विनेगर डाल दूंगी। ये जो मिल्क लिया है ये थोड़ा सा ल्यूक वॉर्म है और इसको एक साइड में रख, जिससे ये मिल्क थोड़ा सा कर्डल हो जाए। अब मैं दूसरे बोल के अंदर 1/4 कप ऑयल ले रही हूँ और इसके अंदर मैंने 1/2 कप शुगर मिक्स कर दिया है। अब इन दोनों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब जो हमने मिल्क रखा था जो कि कर्डल हो चुका है, अब उसको मिक्स करके हम इसको एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। और अब जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैं डायरेक्ट चलने के ऊपर ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और इस मैदा के अंदर मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल दूंगी। बेकिंग पाउडर मैंने 1 चम्मच लिया है और बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, और इसके साथ ही जस्ट पिंच मैंने सॉल्ट लिया है। और इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे और छानने के बाद इसको हम बैटर बनाना शुरू कर देंगे। इसका बैटर बनाते टाइम हम कट एंड फोल्ड मेथड से इसको बहुत जेंटली मिक्स करेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी थिक लग रही थी तो इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क हमने और ऐड कर दिया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गई है और इसे मैं एक पाइपिंग बैग के अंदर लेके रख लूंगी। और अब इस बैटर से हम वेनिला शीट केक रेडी करेंगे और अब इसके बाद हम चॉकलेट शीट केक बनाते हैं। उसका चॉकलेट स्पॉन्ज बनाने के लिए हम यहाँ वही बेसिक इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। सबसे पहले हम जैसे हमने पहले मिल्क के अंदर विनेगर मिक्स करके उसको साइड में रख दिया, वापस ऑयल लिया है, 1/4 कप ऑयल के अंदर हमने 1/2 कप शुगर मिक्स करी है। दोनों के मिक्स होने के बाद उसके अंदर जो कर्डल मिल्क है उसको मिक्स कर दिया। और अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पर जो हमने मैदा लिया है उस मैदा में से मैंने 1 चम्मच मैदे को अलग निकाल लिया था और उसकी जगह 2 चम्मच कोको पाउडर मिक्स किया है। मैं बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है और साथ में जस्ट पिंच सॉल्ट है। और ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एकदम नाप करके लेंगे और इसके बाद इसको हम छान लेंगे। छानने के बाद वही जेंटली इसको हम बैटर बनाने के लिए फोल्ड करेंगे। कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसको करते जाएंगे और इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 या 2 चम्मच उसमें दूध मिक्स करा और ये देखिए हमें परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिल गई है। इसको भी, जो ये बैटर बन के रेडी हुआ है, इसको भी मैंने पाइपिंग बैग के अंदर रख लिया है। अब हमारे पास दोनों पाइपिंग बैग बन करके रेडी हो। और अब उसका स्पॉन्ज बनाने के लिए यहाँ पर एक ट्रे ली है, इस ट्रे को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया है। अब जो हमारे पाइपिंग बैग बन करके रेडी हुए थे उनमें एक कट लगा दिया है। यहाँ पर मैं इसको डायगनली बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं जो वेनिला बैटर है उसको डाला है और उसके बाद चॉकलेट वाले को। इस तरह से ऑल्टरनेट हम करते जाएंगे, वेनिला चॉकलेट, चॉकलेट वेनिला, इस तरह से हम पूरा इसको बैटर को ट्रे के अंदर लगा देंगे और हमारी ट्रे जो है वो रेडी हो जाएगी। यहाँ हम जो स्पॉन्ज रेडी कर रहे हैं वो ज़ेब्रा स्पॉन्ज की तरह आएगा क्योंकि हमने इसमें अल्टरनेट लगाया है और इसकी पतली ही शीट हमको रखनी है क्योंकि आगे जाकर के इस शीट केक को हमको फोल्ड करना है। अगर ये मोटा होगा तो वो आपकी शीट जो है फोल्ड नहीं हो पाएगी। और इसी बैटर से एक राउंड कटिंग मैंने लिया है जो कि एक ट्रे है, उसको भी हम उसी तरह से अल्टरनेट चॉकलेट लगाया, उसके बाद वेनिला की लाइन, वेनिला के बाद वापस चॉकलेट की लाइन, इसी तरह से उसको पूरा फिल कर लेंगे। और इसको 1 या 2 बार हम टैप करेंगे और ये अब बस ओवन में जाने के लिए रेडी है। और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक करेंगे और इसे ओवर बेक्ड आप बिल्कुल ना करें। और अब हम चॉकलेट मूस बनाना शुरू करते हैं क्योंकि ये एक मूस केक है। वैसे तो मैं मूस की रेसिपी आपको पहले बता चुकी हूँ, सेम वही पैटर्न पे हम आज वापस मूस बनाएंगे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। और अब हम मूस बनाने के लिए हमने यहाँ पर डार्क चॉकलेट ली है जो कि 250 ग्राम है और उसी के साथ इक्वली हमने क्रीम ली है वो भी 250 ग्राम है। मैंने चॉकलेट को पहले 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लिया था और उसके बाद इसको गर्म पानी के ऊपर रख रखा है। अब आप देख सकते हैं हमारी चॉकलेट एकदम अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। और अब इसके अंदर मैं हनी मिक्स करूँगी। यहाँ मैंने 1.5 टेस्पून हनी लिया है और इस हनी को और थोड़े से इसके बाद 1 या 1.5 चम्मच हम पानी भी मिलाएंगे। इसको मिलाने के बाद जब आप जो आपका बैटर बना हुआ है उसको आप हिलाएंगे तो वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि वो कर्डल हो रहा है, लेकिन वो इस टाइम थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन अब
आप इसमें क्रीम मिलाना स्टार्ट कर दीजिए, और क्रीम मिलाते टाइम आप इसको कट एंड फोल्ड मेथड से मिलाएंगे, क्योंकि ये जितना हमको स्मूथ टेक्सचर होगा उतना ही हमारा सिल्की और स्मूथ बन करके रेडी होगा मूस। तो अब यहाँ पर जो हमने क्रीम मिलाई थी, अब मैं और इसके अंदर क्रीम मिला रही हूँ, और इस क्रीम को अभी मैं हाथ से मिला रही हूँ, बाद में मैं इसको ब्लेंडर से मिला दूँगी। अगर आप ब्लेंडर से नहीं मिलाना चाहते तो आप हाथ से भी मिला सकते हैं। और ये देखिए, इसको विस्क करने के बाद में कितना स्मूथ सा और एकदम सिल्की मूस हमारा रेडी हो गया है। और उधर शायद हम चेक कर लेते हैं, हमारी जो शीट केक थी वो भी बन करके अब रेडी हो गया होगा। तो अब मैं इसको निकाल करके ले आई हूँ, देखिए एकदम परफेक्ट बना हुआ लग रहा है। इसको मैं प्रिक करके देखती हूँ तो ये एकदम हो चुका, टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आई है। अब मैं नाइफ की हेल्प से इसके कॉर्नर्स को अलग कर दूंगी। आप देख सकते हैं इसमें जो शीट केक है उसकी थिकनेस हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, नहीं तो ये फोल्ड करते टाइम पे टूटने का डर रहेगा, तो हम इसको इतना ही थिक रखेंगे। और अब जो इस पे बटर पेपर लगाया था वो भी हम हटा लेते हैं। आप बटर पेपर हटाने के बाद देख सकते हैं स्पॉन्ज कितना अच्छा है। चीज़ केक या मूज़ केक बनाने के लिए हमको जो टिन की ज़रूरत होती है वो चीज़ केक टिन होता है, जिसका कि बॉटम लूज़ होता है, और यहाँ पर हमने वही टिन लिया है। और इस टिन को हमने नीचे जो हमने राउंड शेप का केक बनाया था वो शीट को लगा दिया है। अब मैंने इसकी डेप्थ नाप ली है जो कि 2 इंच आई है, तो मैं इसी की लंबाई से इसका केक को काट लूँगी इस शीट के ऊपर से। आप जब भी इस तरह के केक बनाए तो थोड़ा सा मेज़रमेंट कर लीजिए, जिससे जो केक है हमारा बाद में बन करके बहुत नीट आ जाता है। और यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रिप्स काट ली हैं। अब ये जो लूज़ बॉटम टिन है जिसको हम चीज़ केक टिन कहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आज हम उसका भी एक जुगाड़ आपके साथ करेंगे। और यहाँ जो मैंने स्ट्रिप्स काटी थी उनको कॉर्नर्स पे लगाना शुरू कर दूंगी। अगर आप जब लगा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि इसकी स्ट्रिप ऑल्टरनेट ही आए। तो यहाँ पर जो छोटा सा पोर्शन था उसमें भी मैं फिट कर देती हूँ केक शीट को, और ये हमारा केक टिन बन करके एकदम रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम मूस को भरना शुरू करेंगे। आप जब भी मूस को भरें तो उसको पूरी तरह से स्प्रेड करते जाइए चम्मच से, और अच्छी तरह से टैप करते जाइए, नहीं तो इसमें कई बार एयर पॉकेट्स आ जाते हैं। और अब इस मूस को हम केक के ऊपर के पोर्शन तक पूरी तरह से भर देंगे। मूस केक सेट होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो आप जब भी मूस केक बनाएं तो उसको पहले से ही बना करके रख लीजिए। मैं इसको नॉर्मली ओवरनाइट छोड़ देती हूँ, कम से कम 8 से 10 घंटे इसको सेट होने में रखते हैं। और अब ये हमारा फिल हो करके रेडी है, जिसे मैं क्लिंग से कवर कर लूँगी और इसे फ्रिज के अंदर रख दूँगी। अब ये हम फ्रिज से बाहर लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं केक इस टाइम बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसको हम टिन से बाहर निकालेंगे, उसके लिए हमने एक बॉक्स के ऊपर इसको रख दिया है, और उस बॉक्स को मैं हटा दूँगी तो ये टिन से अलग आ जाएगा। और अब इसको मैं एक प्लेट के अंदर शिफ्ट कर देती हूँ, और यहाँ पर इसको गार्निश करने के लिए मैंने चॉकलेट फ्लावर्स बना करके और चॉकलेट लीव्स बना करके रखे थे, जिनसे मैं इसको गार्निश करूँगी। और अब इनके ऊपर मैंने चॉकलेट फ्लावर्स लगा दिए हैं, और अब थोड़ी सी चॉकलेट लीव, और अब मैं इनके ऊपर थोड़े से गोल्डन बॉल्स लगा दूँगी। ये शुगर बॉल्स हैं, जिसे लगाने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगने लगेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चॉकलेट शेविंग्स रखी थी, इस चॉकलेट शेविंग को मैं कॉर्नर्स की तरफ में डाल दूँगी। और इस कॉर्नर में इसको लगाने के बाद मैं इसके ऊपर भी थोड़े से शुगर बॉल्स, जो कि गोल्डन कलर के मैंने यूज़ में लिए हैं, उनको लगा दूँगी। और बस हमारा ये ब्यूटीफुल सा टेस्टी यम्मी डिलीशियस सा केक बन करके एकदम रेडी है। अगर आपके पास केक टिन नहीं है और आप केक बनाना चाहते हैं, चाहे वो चीज़ केक हो, तो हम उसका एक अल्टरनेट लग सकते हैं। देखिए, इस तरह के प्लास्टिक बॉक्स हमारे सबके घरों में होते हैं। यहाँ पर मैंने इसके बॉटम को कट कर लिया है, और अब इसका बॉटम देखिए लूज़ बॉटम टिन की तरह काम करेगा, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉक्स है जिसे हमें बेक नहीं करना है। चीज़ केक की या फिर मूस केक के लिए हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। और अब इसको हम टेप से इसको नीचे की तरफ से लगा देंगे। यहाँ पर ये टेम्परेरी अरेंजमेंट, लेकिन इससे हम चीज़ केक या मूस केक हमेशा बना सकते हैं। इसको मैंने टेप के हेल्प से चिपका दिया है, और अब इसमें हम जैसे हमने पहले किया था बेस लगाया है, और बेस के बाद कॉर्नर्स को हमने फोल्ड करके लगा दिया है, और इसमें हम मूस को हम फिल कर देंगे। अब ये देखिए हमारा ओवरनाइट, इसको भी मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था, और अब ये बन करके रेडी हो गया है। अब आप देख सकते हैं टेप हटाने के बाद ये हमारा मूस केक बाहर बिल्कुल उसी तरह से निकल आया जैसा हमारा ओरिजिनल टिन में निकलता था। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट होता है घर में कभी भी चीज़ केक या मूस केक बनाना हो। और इसको भी मैंने गार्निश कर दिया है। आप ये देखिए, कहीं कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है कि ये ओरिजिनल टिन में बना है या फिर हमारे जुगाड़ वाले ऑल्टरनेट टिन में। मूस केक को बनाते टाइम बस आप ध्यान रखिएगा, मूस केक सेट होने में टाइम लेता है, तो इसको काफ़ी टाइम पहले आपको बना कर रखना पड़ेगा। अगर आपको ये डिलीशियस मूस केक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।